जानेंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर फॉग मशीन को रिपेयरिंग किया जाता है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलो इसको हम लोग चेक करते हैं। हाय गाइस, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने में क्या रखे हैं। ये है हमारा फॉग मशीन, और ये फॉग मशीन डीजे के लिए लगाया जाता है, और ये 1500 वाट का है, आप देख सकते हो। और आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिकल का काम में ये फॉग मशीन कहाँ से आ गए। तो दोस्तों आज रिपेयरिंग करने वाले ये फॉग मशीन को, और देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है हमारा। तो आज के रिव्यू में पूरा आपको डिटेल बताएँ किस तरीके से फॉग मशीन काम करता है, कहाँ से हमारा लिक्विड जाता है, किस तरीके से कंट्रोलर जो है प्रेस करने से हमारा जो यहाँ पर स्विच, देखिए ये सब वायर उलझा हुआ है, ये स्विच है हमारा, इसको प्रेस करने से हमारा यहाँ से हमारा प्रेशर निकलेगा इस जगह से हमारा, ये देख सकते हो फ्रंट तरफ का, यहाँ से अपने नोजल है, नोजल से अपना धुआं निकलता है। तो ये डीजे के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ से हमारा कुछ भी धुआं नहीं कर रहा, कुछ भी मशीन कुछ नहीं चल रहा, यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है। तो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएं किस तरीके से इसको रिपेयरिंग किया जाता है। आज वीडियो पे बने दोस्तों, वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कर लेना बेल आइकन प्रेस, ताकि हमारा कमलेश इलेक्ट्रिकल का आपको रिपेयरिंग वीडियो मिलते रहे। तो चलो दोस्तों इसको चलो ओपन करते हैं, पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं पावर प्लग से। ये आपको बैक पैनल, ये फ्रंट पैनल, उसके बाद बैक पैनल में आपको बताते हैं कैसे का। अब देख सकते हो ये हमारा बैक पैनल है, तो बैक पैनल में अपने को मिल जाता है स्विच, और ये कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोलर यहाँ से काम करता है। तो ये हमारे को ये डिवाइस लगाना पड़ता है, यहीं से हमारा रिमोट कंट्रोल काम करता है, ठीक है। तो इसका रिमोट भी है हमारे पास, ये तो हमारा पुश बटन है, तो यहाँ से पुश करेंगे तो ये जो धुआं निकलने वाला है। तो देखते ही यहाँ पर लिक्विड हमारे पास है, और ये देखिए पावर प्लग भी लगा दिए, एसी से चलता है ये। इसको जो हम लोग पावर प्लग देते हैं और स्विच ऑन करते हैं, और कुछ देर गर्म करके देखते हैं हमारा मशीन क्या काम नहीं आ रहा है। तो पहले चेक करके आपको दिखा देते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर शो हो गया, ऐसा प्रेस किए तो ये ऑन हो गया। अब देखते हैं कुछ देर के बाद ये गर्म होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना इंडिकेटर है, ठीक है, ये छोटा सा इंडिकेटर है, वो ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कितना मिनट लगता है, कम से कम 2 से 3 मिनट लग ही जाएगा इसको गर्म होने में। और ये 1500 वाट है, तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। इसके 2000 2500 वाट भी आता है, तो हम 1500 वाट यूज कर रहे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है इसका। तो देखते हैं अभी गर्म होने दो, उसके बाद आपको बताते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पर 2 मिनट के अंदर हमारा इंडिकेटर शो कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर एक हमारे पास रिमोट है, तो यहाँ से हम लोग प्रेस करके देखते हैं क्या होता है कि नहीं, हमारा फॉग मशीन धुआं निकलता नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, और कुछ भी हमारा धुआं बाहर नहीं आ रहा, देखिए। तो यहाँ पर हम जो है इसको बाहर करते हैं, उसके पहले हम लोग जो है कंट्रोलर पे तो शो कर रहा है हमारा, देख सकते हो अभी हम लोग यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो इंडिकेटर यहाँ से हमारा शो कर रहा है, ब्लिंग हो रहा है, दबाने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंट्रोलर रिमोट है ना, तो हम लोग इसको खोल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, और यहाँ से कर देते हैं ऑफ, इसको ऑफ कर देते हैं। और अपने को जो ये केबल रहता है इसको भी चेक करने का टेक्निक आपको बता देते हैं। इसके लिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैसा इसको करना है। तो चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ, जैसे ये केबल है, केबल भी प्रॉब्लम हुआ हो तो हमारा जो है मशीन चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं केबल चेक करना, ठीक है। तो केबल चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यूटी पे रख देते हैं, कंटिन्यूटी पे रख देंगे यहाँ पर, और आपको केबल चेक करके दिखाएंगे कैसे करना है। तो केबल चेक करने के लिए हम लोग को स्क्रू खोलना पड़ेगा, चारों स्क्रू, ठीक है, इसको खोल लेते हैं अपन। तो देखिए हम लोग इसका कवर बाहर कर दिए, और इसके पहले हम लोग यहाँ पर 3 वायर रहता है, ठीक है, 3 पॉइंट है यहाँ पर। तो ये टर्मिनल पे टच करते हैं मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रख के, ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग को वायर चेक करना है कौन सा हमें शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ एक ब्लैक कलर का वायर है,
एक पॉइंट में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह टर्मिनल पे लगाएं, उसके बाद ये दूसरा वाले में किए, तो ये देख सकते हो मल्टीमीटर हमारा पॉइंट बता रहा है। उसके बाद साइट का देखते हैं, तो साइट का भी बता रहा है, देखिए। तो ये 100% हमारा वायर सही है, देखिए। चलो वायर तो सही है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो वायर हमारा चेक हो गया, ये सही बता रहा है वायर। और ये हम लोग इसका पीसीबी चेक नहीं किए हैं, अभी हम लोग वायर चेक किए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको साइड पे रख देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर हमारा मशीन है फॉग मशीन को बाहर करेंगे। तो कंट्रोलर हमारा रिमोट जो है वहाँ से प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा है, वायर तो चेक कर ले। उसके बाद हम लोग इसको नट को सब बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अपने को पूरा इसका नट खोलना है, चारों तरफ नट लगा है हमारा ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर हमारा लिक्विड है, लिक्विड को बाहर कर देते हैं। सबसे पहले लिक्विड भी बाहर कर लेते हैं, उधर हमारा काम चल ही रहा है, उसको भी ओपन कर रहे हैं, नहीं तो लिक्विड कहीं गिर जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। पहले हम लोग का ये जो है हल्का सा एक दो स्क्रू बचा है, और ये देख सकते हो यहाँ पर हैंगिंग करने के लिए अपने को स्क्रू दिया रहता है एक छोटा सा, तो उसको भी बाहर करना है, तब जाके हमारा ये कवर बाहर आएगा, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ भी बचा हुआ है, उसको भी खोल लेते हैं, एक बच गया। उसको भी निकालने के बाद जो है आपको बता देते हैं, आप हैंडल भी खोल सकते हो, खोलने से क्या आसानी होगा अपने को काम करने में। ये हैंडल खोलने के बाद देखिए फाइनली गाइस देख सकते हो इसका कवर हम लोग बाहर कर दिए। सबसे आपको पहले बता दें, जैसे कि आपको पता है पानी गर्म करता है हमारा हीटर रहता है, उस टाइप का यहाँ पर हीटर रहता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर चेक करने का, और ये देखिए टेम्परेचर कॉयल है यहाँ पर, इसको लिमिट हम लोग बढ़ा सकते हैं, हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक हीटर जैसे पानी गर्म होता है और ऑटो कट हो जाता है, वैसा ऑटो कट हो जाएगा वहाँ से। और ये हमारे पास है मोटर, ये मोटर काम करता है यहाँ का लिक्विड को लेने का, ठीक है। यहाँ से लिक्विड लेगा, उसके बाद यहाँ से फॉग मशीन यहाँ पर धुआं बनेगा और उसके बाद बाहर जाएगा, ठीक है। तो आयरन के बीचों बीच हमारा जाता है, देख सकते हो। तो ये जो है हमारा जो है ये मशीन काम नहीं आ रही, ये गर्म हो रहा है, अभी हम लोग छू के देखें, यहाँ पर हीट हो रहा है अपना। हीट होने के बाद आपको पता चला एक इंडिकेटर जल रहा था एक कंट्रोलर में, ये देखिए कंट्रोलर पर इंडिकेटर जल रहा था ना, ये रिमोट स्विच में हमारा लाइट इंडिकेटर जा रहा था, ये हीट हो रहा है, हीट होने के बाद आउटपुट जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दो वायर है, ठीक है, ये मोटर का वायर है दो, जो पंप का वायर है हमारा। तो ये पंप को पहले चेक करेंगे, तो पंप जो हमारा एसी करंट से रन होता है, ठीक है, आप देख सकते हो 220 240, तो ये एसी करंट से रन होता है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ पर दो वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों वायर को खोल लेते हैं, और ये जुड़ता है यहाँ पर रिमोट कंट्रोलर की ओर तरफ जाता है, ठीक है। देखिए रिमोट कंट्रोलर, ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिमोट तरफ से जाता है। तो ये जो है मेल फीमेल, जैसे कि हमारे एम्पलीफायर में लगता है उस तरह का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो वायर को यहाँ पर ज्वाइन, यहाँ पर एक बार कुछ चेंज हो चुका है ऐसा लग रहा है, भाई लोग किए पता नहीं मेरे को। फिर ये देखते हैं यहाँ पर मोटर को चेक कर लेते हैं, ये मोटर चल रहा है नहीं, हमारा हीट हो रहा है ये गर्म, ठीक है, ये कॉयल हीट हो रहा है, और ये जो है ये देखिए ये जो है हमारा वायर खोल लेते हैं ओपन। तो ये सिंपल सा दो वायर बाहर कर दिए, उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं ये, ठीक है, ये हमारा मेल फीमेल जो पॉइंट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये पावर प्लग है एसी करंट, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से आवाज़ आ रहा है, ये हमारा यहाँ से चल रहा है। तो हम एक बार इसको जो है क्या करेंगे, एक बार गर्म करते हैं यहाँ पर लिक्विड और देखते हैं ऑन हो रहा है नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर लिक्विड डाल दिए, और ये पाइप जो हम लोग बाहर किए थे इसको फिर से अंदर डाल देते हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पर अपने को एक पॉइंट मिलेगा, जैसे नल लोग में रहता है उस टाइप का पॉइंट मिलेगा, उसमें हम लोग इसको पॉइंट कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट कर दिए, आप देख सकते हो इस तरह यहाँ पर हम लोग प्लग पॉइंट कर दिए, और ये हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करने के बाद अपने को अब जानना ज़रूरी है गर्म हुआ कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कंट्रोल जो रिमोट निकाले थे इसको लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हमारा इंडिकेटर शो करेगा। तो चलो कुछ देर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है लगाने के बाद कुछ सेकेंड के बाद देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर शो कर दिए, मतलब ये हीट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने को ये प्लग पॉइंट चाहिए, देखिए हमारे पास पावर प्लग आ गया,
ये पावर प्लग है और ये दोनों वायर को भी डालने वाले हम लोग, और धुआं निकलता है कि नहीं देखते हैं। हीट हो गया हमारा ये कंट्रोलर से, देखिए रिमोट से हमारा लाइट जल रहा है और हमारा मोटर ऑन हो गया, और ये देख सकते हो यहाँ पर धुआं निकलना चालू भी हो चुका बन गया। तो गाइस इस तरीके से धुआं निकलता है हमारा फॉग मशीन से, और प्रॉब्लम अपने को मिला, अब देखिए कहाँ पर था, ये हमारा मोटर जो है ये ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है, ये पूरा धुआं भर चुका। आपको धुआं जाने दो, उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ का, काफ़ी धुआं भर गया अभी, और ये अभी तक इंडिकेटर शो कर रहा है, मतलब ये ठंडा नहीं हुआ है, गर्म हो ही रहा है, ठंडा ऑटो कट हुआ ही नहीं। तो चलो पहले हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और इसका फॉल्ट ढूंढते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से है हमारा, ठीक है। देख सकते हो ये हम लोग पंप को अभी डायरेक्ट करके आपको देखा है, ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अपने को जो ही प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, हीट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है, और ये स्विच भी काम कर रहा है अच्छे से, तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ से होगा। तो इसका वायरिंग जो हम लोग ढूंढते हैं और इसका प्रॉब्लम कहाँ से हमारा आ रहा है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वायर लोग हम लोग यहाँ पर चेक किया गया, तो ये देखिए यहाँ पर तीन वायर गया है, ठीक है, 1 2 3 लगता है यहाँ पर, तो ये तीन वायर जो है, ये दो वायर हमारा, ठीक है, ये दो वायर लगा है हमारा इस लास्ट पे और ये वाले पॉइंट पे बीच, ठीक है। तो आप देख सकते हो बीच वाले पॉइंट में लगा है यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ से कंट्रोलर पे जाता है एसी करंट, ठीक है, कोई भी डीसी करंट नहीं जाते यहाँ पर, और ये आता है एसी करंट, और इससे थ्रू अपने को जो है ये रिमोट जो है यहाँ पर रिमोट कंट्रोलर जो है यहाँ से हमारा प्रेस करेंगे, तो यहाँ से हमारा एसी करंट सप्लाई होगा। तो ये हम लोग को डाउट लग रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम, तो हम क्या करें, यहाँ पर नहीं करेंगे, इसमें हम लोग एक बल्ब होल्डर लगा देंगे जो हमारे पास है, उसको जो हम लोग चेक करने के लिए, यहाँ से हमारा जैसे कि रिमोट दबाते हैं एसी करंट जाते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं, एक बल्ब होल्डर लगा देते हैं और टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हो ये एक बल्ब होल्डर लगा दिए, दोनों वायर पर जोड़ दिए, ठीक है, ये मोटर पंप का जो सेट कर दिए, फिर से ऑन कर लेते हैं, और हीट करने के बाद ये जो है लाइट ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, बिना लाइट ऑन हो भी यहाँ पर सप्लाई नहीं आता, तो आपको चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा सप्लाई। अब देख सकते हो तीन वायर है हमारे पास, एक ब्लैक कलर का, एक हमारा येल्लो, और ये जो है रेड। तो ये आपको बता देता हूँ, ये ब्लैक वाला जो है हमारा, ये आउटपुट जा रहा है हमारे मोटर पे, ठीक है, और ये पीला वाला हम लोग चेक किए, ये पीला वाला हमारा सप्लाई है फेस, और ये रेड वाले में न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है, रिटर्न। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो। तो हम जो है इसको जो है चेक करने वाले हैं बल्ब होल्डर के माध्यम से, ठीक है। तो चलो हीट होने दो, हीट होने के बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक बल्ब इंडिकेटर शो होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक इंडिकेटर शो हो चुका, तो ये देख सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रेस करके देखते हैं, तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये प्रेस कर दिए और ये बल्ब नहीं जल रहा है, तो प्रॉब्लम लग रहा है हमारे यहाँ का। तो हम क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर लेके आते हैं और हम लोग सप्लाई चेक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर ले आए और इसको हम लोग को एसी पे रखना है, ठीक है, तो अपने को ये फेस चेक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो तीन टर्मिनल है, तो ये तीन में देखते हैं यहाँ पर सप्लाई किस में जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और ये पीला वाले में लगाएं और ये ब्लैक वाले में, आप देख सकते हो 225, तो ये हमारा इनपुट है दोनों, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, तो ये आउटपुट हमारे को शो नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा आउटपुट बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए हम लोग बटन प्रेस करने से भी प्रॉब्लम जा रहा है। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर हमारा दो वायर है, देखिए यहाँ पर सोल्डिंग निकालना है, ठीक है, सोल्डिंग निकालना है, यहाँ पर बटन है हमारे पास, तो सोल्डिंग आना चाहिए, इसको बाहर कर लेते हैं, एक स्विच को जो आपके हमारे पास स्विच है आप दिखाते हैं, ये देखिए ये स्विच है, इसको बाहर करना है अपने को। तो ये प्रेस कर दिए, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ से हमारा आउटपुट नहीं जा रहा है, ठीक है, और इससे हम लोग इस चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पर यहाँ से हमारा आउटपुट देते हैं, तो ये जलता है कि नहीं देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपने को स्विच बाहर करने से ये बाहर निकले गया, हम लोग को अभी टेस्ट करना है ना,
तो टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है मल्टीमीटर का वायर निकाल दिए, ठीक है, वायर बाहर कर दी, और यहाँ पर हम लोग जम्फर करने वाला, हम लोग चेक कर लेते हैं फेस न्यूटर, तो ये फेस है, यहाँ से आउटपुट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देख सकते हो ये वायर को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, और आप बल्ब की तरफ ध्यान दीजिए, आप मशीन की तरफ ऊपर करो, तो देखिए ये दोनों वायर को टच करते हैं हम लोग, मल्टीमीटर सेट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है सप्लाई, ये हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारा ये रिमोट पे आ रहा है, ठीक है, तो अपने को ये रिमोट को बाहर कर लेना है प्रॉब्लम, तो ये देख सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का रिमोट है, रिमोट भी पूछे हमारे भाई को, तो यहाँ पर बोले रिमोट से भी काम नहीं आ रहा, रिमोट अभी मिला नहीं अपने को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको चेक करेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम है पड़ेगा, और मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा, ताकि हमारे कंट्रोलर को अच्छे से लाइन मिल रहा नहीं और वो सिग्नल दे नहीं पा रहा, तो ये सिग्नल देगा, उसके बाद हमारा रिले ऑन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ सप्लाई चेक करते हैं, उसके बाद ये डायवर्ट तो फेस डायरेक्ट है, अपने को चेक करना है ये वाला पॉइंट, न्यूट्रल वाले को चेक करता है, और यहाँ से अपना सप्लाई जा रहा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको, पहले ऑन कर लेते हैं, इसको हीट कर लेते हैं, इंडिकेटर आएगा, इंडिकेटर जल रहा है हमारा, तो ये देखते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर, इसको वोल्ट पे फिर से सेटअप कर देते हैं, ठीक है, इसको वोल्ट पे रखते हैं, तो चलो मल्टीमीटर को वोल्ट पे रख दिए, मीटर को अच्छे से रख लेते हैं, और यहाँ पर चेक करते हैं, देख लो कितना आ रहा है, 226, और यहाँ से अपना यहाँ पर जा रहा नहीं, वो देखते हैं जो हमारा पीएफ है, पीएफ से ट्रांसफ़र हो रहा नहीं सप्लाई, वो देख लेते हैं, ये पीएफ के बाद देखिए ये पीएफ से यहाँ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अपने को प्रॉब्लम मिल चुका, यहाँ से हमारा पॉइंट है यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अपना पीएफ जो है ख़राब है, तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पर शो कर नहीं रहा मल्टीमीटर में, आप देख रहे हो ध्यान दे के, देखिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर पीएफ में प्रॉब्लम क्या है, पीएफ को चारों तरफ से देख लेते हैं, अब अपने को नज़र आ रहा है यहाँ पर एक देखिए हल्का सा फटा हुआ है, आप देख सकते हो ये जो है रिमोट में पीएफ जो है यहाँ पर फटा हुआ है, देखिए हल्का सा, ठीक है, तो हम इसको जो खोल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं पीएफ को, और सोल्डिंग, पीएफ चेक करने के लिए मल्टीमीटर अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो हमारा नॉर्मल क्वालिटी का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2000, ठीक है, तो ये देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे आपको बताते हैं, इसको रख देते हैं हम लोग डीसी पे, डीसी पॉइंट में रखते हैं, और ये पुराने वाले जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट पीएफ को अब चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, एक टर्मिनल हम लोग वायर मल्टीमीटर पे पॉइंट करेंगे, एक को यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए एक वायर जो पॉइंट है यहाँ पर ये ऐड करेंगे, और दूसरे को ये इसको सीरीज में बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग पीएफ चेक करने के लिए हमारे बैटरी यूज किए ना, ये बैटरी हमारा ख़राब है, ठीक है, तो हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है चेक करने का ये पीएफ को, तो आपको बता देते हैं, एक हमारे पास एक देखा हम लोग पुराने वाला एक पीस पड़ा था हमारे पास, तो हम देखते हैं इसको लगा के, ठीक है, ये हमारा जो ये स्विच पे लगा था ये वाला है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको टेम्परी लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको टेम्परी लगा देते हैं अभी चेक करने के, क्योंकि अपने को सेम वैल्यू यहाँ पर मेंशन किया गया नंबर, वो अपने को नंबर चाहिए, ये जेड मॉडल है आप देख सकते हो, और 400 वोल्ट सपोर्ट करेगा, तो इससे अपने को 12 वोल्ट सप्लाई मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ से अपने को 12 वोल्ट सप्लाई मिलता है ये कंट्रोलर को चलाने के लिए, ठीक है, ये रिमोट कंट्रोलर को चलाने के लिए, तो ये हमारा एसी से 12 वोल्ट सप्लाई करेगा, तो ये देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पुराना पीस था, तो हम इसको लगा के देखते हैं ट्राई करके ये काम करता है कि नहीं, तो पुराने वाले को अभी टेम्परी अभी सोल्डिंग मारेंगे, क्योंकि अभी चेक करने का कोई सुविधा नहीं हमारे, देख सकते हो यहाँ पर हम लोग लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, फिटिंग कर दिए, और ये देखिए यहाँ पर ऑन किए, और कुछ ही सेकेंड में हमारा ये इंडिकेटर जलेगा, इंडिकेटर ऑन भी हो गया, और हम ले आते हैं मल्टीमीटर, और देखते हैं यहाँ से हमारा जो वैल्यू 12 वोल्ट नहीं बन रहा था, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से हम लोग
इसको हम लोग रख देते हैं एसी पे, रखेंगे तो भी चेक करते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट आता है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू शो करेगा कि नहीं। तो आप देख सकते हो, पहले आपको दिखा देते हैं वोल्टेज यहाँ का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ से अपना वैल्यू होना चाहिए, घटना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है हमारा वैल्यू 11 से 12, ठीक है। यहाँ पर अपने को डीसी चाहिए, एसी से डीसी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर 12 आ रहा है, एग्जिट आ रहा है 12 से 13। तो ये सेम वैल्यू के कारण नहीं है, सेम नंबर नहीं है, तब भी से ये हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये वाला वायर है हमारा पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये स्विच जो हम लोग निकालें अपने को यहाँ पर टच करना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर दो वायर लिए और ये टच कर रहे हैं, और अब देख सकते हो बल्ब यहाँ पर जैसे टच कर रहे हैं रिले काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर छोड़ दिए ये बंद हो गया। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं कर रहा था, ठीक है, ये ऐसे प्रेस करने से बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। तो हम आपको ये बटन में आपको करके दिखाते हैं, ऐसे प्रेस करने से ही काम करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, तो ये दोस्तों हमारा जो रिमोट कंट्रोलर का प्रॉब्लम था, तो फाइनली हम लोग को प्रॉब्लम मिल चुका और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टेम्परी, तो यहाँ पर यूज कर दी ये वाला, देखिए टेम्परी इसको हम लोग लगा दिए थे अभी के लिए। तो हम सेम वैल्यू का लाएंगे यहाँ पर और यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग टेस्टिंग करने के लिए लगाए थे और ये सेम वैल्यू हम लोग को लगाना है अभी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जितना भी वायरिंग खोले थे ना, तो उसको हम लोग फिटिंग कर देते हैं। मशीन का हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम लोग को बनाना है रिमोट को, ठीक है। तो सबको ऑफ कर देते हैं और मशीन को पैक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाएं बल्ब जो हम लोग ऑन करके, तो यहाँ से ऑन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको पैक करते हैं और वायर लॉक को ज्वाइंट कर देते हैं। तब तक पैक करते करते हम लोग इसका नंबर चेक कर लेते हैं और हम लोग ढूंढते हैं हमारे पास है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारा मोटर पंप का जो है उसको वायर जोड़ दी माइनस प्लस, ठीक है, और इसको पैक कर देते हैं जैसे हम लोग खोले थे उसी तरीके से पैक करना है अभी के अपने को। हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग को नया लगाना है यहाँ पर और ये चेक करते हैं कैसे तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर पीएफ को हम लोग लगा लेते हैं, जैसे लगा था उसी तरीके से लगाना है अपने को। हम लोग उस समय किए थे टेम्परी, तो यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग कर दिए और इस तरीके से इंटरफेस आया और ये पीएफ हमारा लग गया, ठीक है। फाइनली देख सकते हो ये रिमोट का नट लोग लगा दिए और हम लोग टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग बाहर पे रखे हैं अभी और ये पावर प्लग हम लोग लगाते हैं, पावर प्लग लगा दिए और हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं। अभी ऑन करके देखते हैं, यहाँ पर शो हो गया हमारा इंडिकेटर और इसको प्रेस करके देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं स्विच। काफ़ी मेहनत लगा अपने को काम करने के लिए और फोल्ड ढूंढने के लिए। तो देखते हैं एक बार में स्टार्ट होता है कि नहीं, और हीट हो गया और हम बाहर आ जाते हैं क्योंकि रूम के अंदर धुआं भर जाएगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्रेस करके देखते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा फोक काम करना चालू कर दिया, आप देख सकते हो। हमारा हल्का सा भी प्रेस किए थे तो पाइप में हमारा लिक्विड नहीं था, ठीक है, तो कम आ रहा था, अभी लिक्विड फुल हो गया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रेस करने के बाद फोक जो हमारा कहाँ तक काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा था, रिमोट का प्रॉब्लम था। तो चलो हम लोग प्रेस करते हैं इसको। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी प्रेशर से ही कर रहा है हमारा फोक, और जितना देर तक प्रेस करेंगे उतना देर तक हमारा ये पॉइंट ही कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी धुआं भर गया, आप रूम बाहर पे देखिए हमारे वाइफ भी बैठी वहीं पर रूम पे। तो ये रिमोट कंट्रोलर अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है और ये जो है आप देख सकते हो अभी तक हमारा हीट सिंक जो है कम हुआ ही नहीं, हीट फुल हो रहा है, कम हो रही नहीं रहा और अच्छे से काम भी कर रहा है। तो ये हमारा 100% सक्सेसफुल था रिपेयरिंग। तो ये आप एक बार और प्रेस करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से धुआं निकलता है हमारा। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरा भर गया हमारा धुआं से पूरा ऑल जो हम लोग बाहर में देखे। और आई होप आपको समझ आएगा किस तरीके से हम लोग फॉग मशीन को रिपेयरिंग किए। और ये डीजे के रिलेटेड में ज़्यादा यूज होता है, वेडिंग पे यूज होता है और इसको आप भी घर पे रिपेयरिंग कर सकते हो। आप जितने भी
डीजे वाले होंगे, इलेक्ट्रीशियन होंगे, इसको आराम से घर पे बना सकते हो, इसका हर पार्ट मिलता है। तो सोचते ही इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसका फॉग मशीन का और इस सामान लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का आपको रिपेयरिंग का वीडियो मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, वंदे मातरम।